वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो डियर फ्रेंड, लास्ट क्लासेस में हमने डिस्पर्जन का इंट्रोडक्शन लिया था और समझा था कि डिस्पर्जन क्या है और क्यों है, और उससे ही हमने डिस्पर्जन का एक फॉर्मूला निकाला था। और डिस्पर्जन के बारे में मेनली हमने ये समझा था कि मीन और एक्चुअल डेटा के बीच में जो डेविएशन है, जो डिस्टेंस है, उसका हमें दोबारा से मीन ले लेना ही डिस्पर्जन कहलाता है, मीन डेविएशन कहलाता है। डिस्पर्जन का मतलब तो फैलाव होता है, और इसको मीन डेविएशन कहते हैं। और मीन डेविएशन फ्रॉम मीन से निकाला जाता है, और मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन से भी निकाला जाता है। इसके लिए मैंने आपको गाइड किया था प्रीवियस क्लासेस में कि मीन और मीडियन की आप वीडियो को देख लेंगे अच्छे से, जो कि मैंने बहुत अच्छे से पढ़ाया हुआ है आपको मीन और मीडियन। उम्मीद करता हूँ क्लास वन आपने कवर किया हुआ है, उम्मीद करता हूँ कि मीन और मीडियन की वीडियो आपने अच्छे से देख रखी है, तब आपकी क्लासेस आपको समझ में आएगी, नहीं तो आपके लिए प्रॉब्लम रहेंगी। हाँ जी बच्चों, ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं कमेंट पे भी ध्यान दे रहा हूँ, हैंड रेज कर सकते हैं, बट हैंड रेज उसी केस में करना आप जब कोई ऑडियो और वीडियो में प्रॉब्लम होगा, अदरवाइज अपने डाउट्स आप कमेंट सेशन में डालें, मैं साथ साथ रीड करके आपके रिप्लाई करूंगा। देखिएगा अब इस बार फर्क क्या है, लास्ट क्लासेस में मैंने मीन डेविएशन फ्रॉम मीन एंड मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन समझा था, बट आज की क्लासेस में क्या फर्क है। आज की क्लास में फर्क बच्चे ये कि लास्ट क्लासेस में हमने इंडिविजुअल सीरीज में समझा था, जहां पर सिर्फ डेटा डेटा था, लेकिन वो डेटा कितनी बार आ रहा है उसकी रिपीटेशन नहीं थी। तो आज की क्लासेस में हम डेटा जो है काम करेंगे, सेम वही काम होगा, लेकिन आज सवाल थोड़ा अलग है क्योंकि वो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, डिस्क्रीट सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज क्या होता है कि डेटा एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहा है। फॉर एग्जांपल आपके क्लास में 10 नंबर का अगर आपका टेस्ट हो जाए 10 मार्क्स का, तो उसमें से कुछ स्टूडेंट होंगे इसके 9 नंबर आ गए, 2-3 बच्चे, तो फिर मैं लिखूंगा 9 मार्क्स 3 स्टूडेंट। क्लियर है? तो जब आपके पास में एक ग्रुप सेम डेटा कैरी कर रहा है, तो डेटा कैरी करने वाले एक ग्रुप में कितने लोग हैं, नंबर ऑफ पर्सन, उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, जैसा आप यहां देख पा रहे हैं। और अच्छे से इंट्रोडक्शन इसका आपका मीन मीडियन में हुआ था। तो सबसे पहला काम क्या है आपके पास में, अगर आप इसका मीन निकाल रहे हैं, सबसे पहला काम आपको मीन निकालना है एक्स बार, और डिस्क्रीट सीरीज में आपको एक्स बार निकालना है। डायरेक्ट मेथड ही अप्लाई करें तो आपके पास में सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, अब एफ एक्स आपके पास में एफ एक्स मल्टीप्लाई करेंगे 30, मल्टीप्लाई करेंगे आप 11 और 12, 12 12 120 और 1 12 132, मल्टीप्लाई करेंगे आप 18 दूनी 36, 3 18 18 18 3 21, मल्टीप्लाई करेंगे 12 12 144 और 1 12 तो आपके पास में 154 156, चौथी 42। क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में क्या आ गया, एफ एक्स आ गया, चौथी 42। कोई डाउट किसी बच्चे को? अब देखिएगा सिग्मा एफ एक्स लेंगे आप, तो सिग्मा एफ एक्स करेंगे तो आपके 2 और 6 8 8 6 14 14 और 2 16 6, 1 कैरी करेंगे 4 3 7 8 8 5 13 13 और 4 17 7, 1 कैरी करेंगे 2 2 4 1 5 576, तो एक्स बार इक्वल्स टू आपके पास में आया 576 अपॉन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितना है आपके पास में 48। क्लियर है? आगे आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप सिंप्लीफाई करें, दो से पहले डायरेक्टली कर लेते हैं हमारा, कभी कभी बहुत बैच ऐसे पढ़ाता हूँ जिसमें कि कैलकुलेटर यूज नहीं होता है, तो वहां खुद वैसे पढ़ाता हूँ, बट माइंड से निकल जाता है कि आपके पास में तो एक ब्रह्मास्त्र है जिसका नाम क्या है, कैलकुलेटर, जिससे स्टैट्स आपके लिए कितनी आसान हो जाती है, ना तो आपको मल्टीप्लाई करना, नहीं तो आपको रूट लेना, सब कुछ आपका आसान। 12, अब बार बार मैं आपको एक बात कहता हूं, हर बार कह रहा हूं, शुरू से कह रहा हूं बच्चे, आप अपनी काबिलियत को पहचानो। आप लोग बीकॉम ऑनर्स के बच्चे हैं आप में से बहुत, और आप में से मैक्सिमम बच्चे जो रेगुलर करेलो कॉलेज के, कितने बच्चे लाइव आया करो यार, थोड़ा बताया करो अपने बारे में, आपकी बातों से ही बहुत सारी गाइडेंस निकल के आती है और बच्चों का भी हो जाता है। तो अपनी क्वायरी कुछ भी चीजें पूछा करो करियर से रिलेटेड, और खासकर अगर आपसे मुझसे कोई जानकारी जाननी है आपको, तो आप गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड कुछ भी पूछ सकते हो, सरकारी नौकरी से रिलेटेड, कब वैकेंसी आती है, कैसे नौकरी लगती है, कितना पढ़ना पड़ता है, क्या सब्जेक्ट लेना पड़ता है, सब कुछ आप पूछ सकते हो। क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की क्लासेस मैं मुखर्जी नगर में लेता हूं, मुझे पढ़ाते हुए 15 साल हो गए गवर्नमेंट जॉब में काम करते हुए, जितनी भी हिंदुस्तान की बड़ी कंपनियां हैं सब में मैं गवर्नमेंट जॉब की क्लासेस लेता हूं, तो आप उसके बारे में पूछेंगे अच्छी गाइडेंस मिल जाएगी आपको।
हाँ जी, तो आपके पास में कुछ कॉलम की और नीड होगी? बाकी अभी आपसे मुझसे कुछ पूछते तो मैं बता देता हूँ आपको, 2 लाख रेलवे के अंदर वैकेंसी आने वाली है, ठीक है? आने वाली है, मैं पहले बता देता हूँ आपको। और सीजीएल के, तो अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर कोई हमारी जॉब प्रोफाइल वाली बताओ, हम अकाउंटेंट हैं, कॉमर्स वाले बच्चे हैं, कुछ ऐसा बताओ, तो भैया आप अकाउंटेंट बनते हैं प्राइवेट में तो 18, 20, 22 हजार रुपये, 25 हजार रुपये, सरकारी में बनते हैं तो 70 हजार रुपये सैलरी रहती है। हाँ जी, तो आपके पास में यहां पर हम निकालने जा रहे हैं, एक्स हो गए ना, अब हम एक स्मॉल एक्स निकालते हैं, बेसिकली बेसिकली इसको डी भी कहते हैं, मॉडुलस डी। ये कैसे निकलता है? ये आपका एक्स में से उसका मीन आप सबट्रैक्ट कर दीजिए बच्चे, बस और कुछ नहीं। और मीन क्या हमारे पास है? 12। तो 12 इसमें से आप माइनस कर देंगे तो 18, इसमें से 12, अच्छा डेटा में से माइनस करना है बच्चे में, इसमें से आप 12 मॉडुलस है तो पॉजिटिव लिखना है एक्स में से, डेटा में से। ये वाई नहीं है, आपका एफ है, फ्रीक्वेंसी है, ठीक है? 10 में से 12 माइनस करा तो 2, पॉजिटिव ही लिखना है, माइनस का अवॉइड करें, 1, 0। यहां इसमें से आपने 12 माइनस करा, 1, 12 माइनस करा, 2। अब आपके पास में डी आ गया, लेकिन आप देखिएगा इस बात को, समझिए, एसएससी सीजीएल का एग्जाम ग्रेजुएट के बाद दे सकते हैं, बच्चा पूछ रहा है। हाँ, लेकिन इसकी तैयारी में आपको 1 साल लग जाता है, तो इस समय से तैयारी अगर आप करते हो, क्योंकि आपके पास में इतना टाइम नहीं होता है कि आप अच्छे से प्रिपेयर कर पाओ, आपका सेमेस्टर है, हर 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद आपके एग्जाम में आप फंस जाते हो। तो अभी जैसे आपने मैथ्स एंड रीजनिंग उठा लिया, तो आप 7-8 महीने में बहुत अच्छी तरह से उसे कंप्लीट कर सकते हो। फिर 7-8 महीने के बाद आपने अपने इंग्लिश उठा लिया, एक चीज पे फोकस करो। फिर आपने लास्ट के 7-8 महीने अपने जीएस पे, जब आप ग्रेजुएट होने वाले हैं, और ग्रेजुएट होते ही आप प्रिपेयर हैं नौकरी लेने के लिए, तो आप फॉर्म अपना अप्लाई कर सकते हैं। और फिर आपको, नहीं तो आप ग्रेजुएट होने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो। इसकी तैयारी ऐसे नहीं होती है कि आप जैसे कि लाइक आपने 2-3 महीने का अपना कोर्स करा, तैयारी हो गई, नहीं, बड़ा वास्ट सिलेबस है इसका। लाइक जैसे यूपीएससी वगैरह, ऐसा नहीं है कि 2 महीने आपने पढ़ करके आपने यूपीएससी एग्जाम निकाल दिया, नहीं होता है ना, ऐसे ही एसएससी का भी एग्जाम नहीं होता है। उसके लिए आपको 8-10 महीने, 1 साल निकालना पड़ेगा, और आप बाद में निकालोगे तो ग्रेजुएट होने के बाद आपका 1 साल स्पॉइल होगा, बर्बाद होगा। हाँ जी, तो आपके पास तो डी आ गया ना, लेकिन पहले तो हम डी का सम कर रहे थे, बट अब क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि बच्चे हमारे पास में मीन डेविएशन का जो फॉर्मूला है, मीन डेविएशन का हमारे पास में फॉर्मूला है, वो पहले क्या था? समीशन ऑफ डी, याद होगा आपको, अपॉन एन, यही था ना? अभी भी हमारा फॉर्मूला यही है कि, लेकिन इस बार क्या है, फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी इन्वॉल्व हो जाएगा, बस एफ लग जाएगा, एफ डी और अपॉन में एन, क्लियर है? तो अब ये फॉर्मूला हो गया हमारे डिस्क्रीट सीरीज में, ये बात समझ में आ गई आपको? तो बस यहां पर आप एफ लगा देंगे, तो आपके पास वो डेविशन आया। डेविशन में आप क्या करेंगे, ये तो डिफरेंस है एक डेटा के साथ में मीन का, बट यहां पर आपके पास डेटा सिंगल थोड़ी है, 3 फ्रीक्वेंसी के पास में है, तो इसलिए यहां पर आप क्वेश्चन करेंगे अपना, निकालेंगे आप, तो आपके पास में एफ मॉडुलस डी, तो सॉल्व करेंगे, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 6, एफ से मल्टीप्लाई करेंगे 12, 0, 12, 6, और आपके पास दिस वन, इसको ऐड करेंगे आप तो क्या है आपके पास में, 12, 12, 24, और 30, और 3, 36, क्लियर है बच्चे? तो आपके पास में एफ डी मीन डेविएशन कहां से पूछ रहा है? अबाउट द मीन, अबाउट मीन पूछ रहा है, तो आपके पास में मीन से निकालना, तो मैंने मीन से निकाल रहा हूं आपका। तो आपके पास में एस्टिमेशन ऑफ एफ डी कितना है? 36। और आपके पास में फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके पास में 48। बहुत शानदार आए, बड़ा अच्छा रिजल्ट है, क्योंकि बहुत आपका मीन आपके एक्चुअल डेटा के बहुत क्लोज है। तो 36 डिवाइडेड बाय 48, 0.75, तो आपका मीन बहुत ऑथेंटिक है यहाँ पर। ये बताता है कि आपका मीन 12 है और मीन डेविएशन 0.75 है, तो लगभग लगभग आपका एक्चुअल डेटा आपके मीन से 0.75 के डिस्टेंस पे है, मतलब कि एक की भी दूरी नहीं बनी हुई है एक्चुअल डेटा की आपके मीन के साथ में, तो ये बहुत ज्यादा क्लोज, आपका मीन सही मायने में, सही तौर पर आपके ग्रुप को रिप्रेजेंट कर पा रहा है, इसका मतलब ये हुआ। अब कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन अगर आप निकालते हैं, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन, कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन
आप में से मैक्सिमम बच्चे दिल्ली में, जीएस में बच्चे बहुत कुछ होता है, हिस्ट्री होता है, पॉलिटिकल होता है, ज्योग्राफी होता है, करंट अफेयर होता है, इकोनॉमिक्स होता है, आपका साइंस होता है, केमिस्ट्री फिजिक्स बायो होता है, बहुत कुछ होता है, सारी चीजें होती हैं, चॉइस नहीं है, सब पढ़ना ही पड़ेगा आपको। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन क्या होता है आपके पास में, मीन डेविएशन डिवाइडेड बाय मीन, तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन इक्वल्स टू मीन डेविएशन। भाई वहां पे क्वेश्चन कितने बड़े बड़े हो रहे थे अभी रिग्रेशन वगैरह में, है ना, बोर्ड छोटा पड़ जा रहा था, यहां ऐसा कुछ नहीं है। तो कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन, मुश्किल मुश्किल चीजें करवा दी है मैंने आपको, ठीक है, अब आसान आसान चीजें बची हैं आपकी। जीरो पॉइंट जीरो सिक्स दिस वन, ये आपका आंसर है, क्लियर है बच्चे, तो समझ में आपको आ गया आपको, लेकिन इसके लिए बच्चे मीन आना चाहिए, मीन नहीं अगर आपको आया तो समझ में नहीं आएगा। हाँ जी, तो इस बार अब कहानी क्या है कि अब वही क्वेश्चन कैलकुलेट करना है हमें, मीन कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम द मीडियन फॉर द फॉलोइंग डाटा, आल्सो कैलकुलेट द कोफिशिएंट ऑफ द मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन, क्या फ्रॉम मीडियन कह रहा है, फ्रॉम मीन कहता तो मैं मीन में से डेविएशन लेता, बट फ्रॉम मीडियन कह रहा है तो मैं मीडियन में से डेविएशन लूंगा, तो मेरी रिक्वायरमेंट सबसे पहले किस चीज की, मीडियन की रिक्वायरमेंट है। तो मीडियन कैसे कैलकुलेट करते हैं आप, कंटीन्यूअस सीरीज है आपके पास पे, तो कंटीन्यूअस सीरीज में सबसे पहले आप एफ का क्या करते हैं, सीएफ करते हैं, एफ का क्या करेंगे आप, एफ से सीएफ, यहां से आप अपना मीडियन निकालेंगे, मीडियन के बाद आप अपने मोड डी निकालेंगे और उसके बाद उसको एफ डी कर देंगे, फॉर्मूला तो आपका सेम ही रहेगा, फॉर्मूले में कुछ भी चेंज आपके नहीं होगा। हाँ जी, देखिए सी एफ आपके पास में दो आठ, कैसे निकालते हैं सी एफ, ऑलरेडी मीडियन में बात कर चुका हूं बच्चे में, अगर मैं हर बार मीन मीडियन की बात डिटेल में बताऊंगा तो कोर्स कैसे होगा। हाँ, आप मेरे को बताना जरूर चाहिए, मुझे अच्छे से इस बात को मैं रियलाइज करता हूँ, तो बड़े डिटेल में बताया मैंने मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी में कि क्यों इसको सम करते हैं, क्या लॉजिक है इसको सम करने का, सी एफ क्या होता है, ऐसा क्या होता है, मैंने एक एक बात बड़ी खोल खोल के बताई हुई है, तो जो बातें बता चुका हूं उसको आप एक बार देख लीजिए, आपके पास में तो वीडियो है, लाइव क्लासेस का तो यही फायदा होता है कि जब चाहो अपने टीचर को अपने सामने प्रकट कर लो, 8 और 5 13 और हमारे पास में 1 और ये आपके पास है 5 और 1 6, ठीक है, और 20 83 और उसके बाद हमारे पास में 10 93 और ये 100, जब इतना सुंदर लास्ट में आ जाता है 100 तो मतलब सही क्या है आपका, समीशन एफ इक्वल्स टू क्या है आपका 100, छोड़ दीजिएगा क्रॉस चेक हो जाता है इससे, ठीक है, तो आपके पास में 20 30 और 30 और 38 38 और आपके पास में 20 40 ही मान लो, 60 80 90 88 और ये 1200 पूरे हैं, ठीक है बच्चे। हाँ जी, सी एफ आ गया, पहले मेरा काम क्या है, मीडियन निकालना, तो मीडियन हम किस तरीके से निकालेंगे, मीडियन निकालने का हमारे पास से फॉर्मूला है, सबसे पहले साइज ऑफ मीडियन निकालेंगे, मीडियन कैसे निकालेंगे हम, साइज ऑफ मीडियन, उम्मीद करता हूं मीडियन निकालना आप लोगों को आता होगा, कंटीन्यूअस सीरीज में कैसे होता है फॉर्मूला, एन बाय टू प्लस वन नहीं होता है, ये बात मैं बार बार बोल रहा हूं आपसे, तो 100 अपॉन 2 टर्म, क्लियर है बच्चे, तो क्या हमारे पास में 50th टर्म,
तो हमारे पास से 50th टर्म आ गया, अब इसके बाद साइज ऑफ मीडियन, तो सीएफ में चेक करेंगे 50th टर्म कहाँ आएगा, सीएस में 50th कहाँ आता है हमारा, ये दिस वन, ये इंटरवल हमने पकड़ लिया भैया। फॉर्मूला क्या होता है मीडियन का, मीडियन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो मीडियन इक्वल्स टू, मीडियन इक्वल्स टू एल प्लस एन बाय 12th टर्म प्लस माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। क्लियर है बच्चे? तो यहां पर आपके पास में एम इक्वल्स टू एल, लोअर लिमिट क्या है 50, एन बाई टू क्या है 50, माइनस सी एफ, सी एफ क्या है आपका, ये नहीं है सी एफ, सी एफ इसके ऊपर वाला होगा 38, और उसमें आपका एफ क्या है जो आपने मार्क करा है 25, और आई डिफरेंस कितना है आपका, डिफरेंस आपका 10 का है, तो मीडियन इक्वल्स टू 50 और ये आपके पास में प्लस 120 बटा 25। सॉल्व करेंगे 120 बटा 25 प्लस 50, 120 12 बटा, हाँ ठीक है 120 बटा 25 प्लस 54.8 हमारा क्या है मीडियन आया। क्लियर है बच्चे? हाँ जी। अब आपके पास पे आपको क्या निकालना है, मॉडुलस निकालना है आपके, आपको डी, यहां पे कैसे निकलेगा आपका एक्चुअल डेटा में से इस बार मीडियन माइनस होगा, यू फ्रॉम मीडियन निकाल रहे हो आप, और तो 54.8 माइनस करना है आपको एक्चुअल डेटा में से, अब एक्चुअल डेटा ही नहीं है आपका, अब बताओ अब क्या करें है, कैसे माइनस करोगे, या तो इंटरवल्स है तो कंटिन्यूस सीरीज को आप क्या करोगे, क्योंकि आप ये नहीं कंसिडर कर सकते कि दो बच्चों के मार्क्स 10 आए हैं, आप ये भी कंसिडर नहीं कर सकते दो बच्चों के मार्क्स 20 आए हैं, तो कुछ कंसिडर ही करना है, तो बेस्ट रहेगा इसका 10 और 20 का एवरेज आप कंसिडर कर ले, इसको हम बोलते हैं मिड वैल्यू। क्लियर है बच्चे? ये बात ऑलरेडी बात कर चुका हूं मैं, तो काम करते हैं मिड वैल्यू ले लेते हैं पहले, ठीक है? तो इस पर मिड वैल्यू लेंगे, 30 और 15 आ गया, अब 10 का गैप है, मैं 10 का गैप लेके चलो, 15 और 10 25, 10 35, 10 45, 10 55, 65, 75, 85, ये क्या आपके पास में, ये आपके पास में मीडियन है, तो सी एफ हो गया आपके पास में, आपके पास में मीडियन हो गया। अब हम यहां पे कैलकुलेट करने जा रहे हैं मॉडुलस डी डेविएशन, जो कि एक्स माइनस में जो मिड वैल्यू है आपका, यहाँ पे x बेसिकली मिड वैल्यू है, माइनस मैं लिख देता हूँ, तो m माइनस m कन्फ्यूजन ना, मीडियम, तो 15 में से 54.8 आपको माइनस करना है, 15 माइनस 54.8 25 माइनस 54.8 29.8 35 माइनस 54.8 19.8 45 माइनस 54.8 9.8 55 माइनस 54.8 0.2 65 माइनस 54.8 10.2 75 माइनस 54.8 20.2 85 माइनस 54.8 30.8 30.2 क्लियर है बच्चे?
हाँ जी, अब आपको को क्या करना है, यहां पर फॉर्मूला तो आपका वही रहेगा, मीन डेविएशन का सिग्मा एफ है तो एफ रहेगा ही रहेगा, डी अपॉन समीशन ऑफ एफ दिस, तो आपको यहां पर कैलकुलेट करना है एम, यहां पे आपके पास में एफ डी, वही एफ डी। अब एफ डी क्या निकालोगे आप, 39.8 into 2, 77.6, 29.8 into 6, 29.8 into 6, 178.8, 19.8 into 12, 237.6, 9.8 into 18, 176.4, 25 into 0.2, 25 into 0.25, 5, 10.2 multiplied by 20, 204। सॉल्व करते हैं अब यहां पर आप, ट्वेंटी पॉइंट टू मल्टीप्लाई बाय टेन, और यहां पर 30.2 multiplied by 7, 77.6 plus 178.8 plus 237.6 plus 176.4 plus 5 plus 204 प्लस 202 प्लस 211.4, तो ये आया मेरे पास 1292.8, तो MD इक्वल्स टू 1292.8 अपॉन में सिग्मा एफ इक्वल्स टू 100। तो सॉल्व करेंगे तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन इक्वल्स टू 12.928, दिस वन। क्लियर है बच्चे? अफरीन शेख, कौन सा क्वेश्चन चल रहा है बच्चे? डिस्पर्जन का क्वेश्चन चल रहा है आपका। ये क्लियर है? कोई डाउट किसी बच्चे को? मीन डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन निकालना है तो उसको क्या करेंगे आप? कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन अगर आप निकालेंगे तो क्या करेंगे आप? अपना जो मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन आपने निकाला हुआ है डिवाइडेड बाय मीडियन, क्योंकि मीडियन से निकाल रहे हो ना आप, तो मीडियन क्या है आपके पास में? मीडियन आपके पास में है 54.8, बस ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? वो वही फॉर्मूला, कंप्यूट द मीन डेविएशन कंटिन्यू सीरीज, वो फॉर्मूला दे दिया है और ठीक है, बात मीन डेविएशन कोफिशिएंट ऑफ मीन डेविएशन फॉर्मूला वही है कि एफ डी, डी कैसे निकलता है, एक्स माइनस में ए, और ए क्या है, अबाउट एन एवरेज, तो वो कुछ ज्यादा कैलकुलेट द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा, हो जाएगा बच्चे? अब फ्रॉम मीन निकालना है तो पहले मीन निकालोगे, मीन में से आप डिफरेंस ले लोगे डेटा का, तो मॉडल डी आ गया, फिर एफ डी कर दोगे, समीशन एफ डी करके डिवाइड बाय आप सिग्मा एफ कर दोगे, वही चीजें होनी है, कर लोगे?
अगर नहीं कर पाएंगे तो बता दीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको कैसे होगा। मैं करवाऊं या आप कर लोगे भाई, कमेंट करके बताइए जरा। अगर आपको नहीं समझ में आया है, आप कहते हैं मैं करवाऊं, तो मैं करवा दूंगा। अगर आपको लगता है कि आप कर लेंगे तो आप मुझे बताएंगे, फिर मैं आगे क्वेश्चन स्टैंडर्ड डेविएशन पे आऊंगा। सिमिलर क्वेश्चन बट फ्रॉम मीन ले लेना है आपने। आज गर्मी हो रही है क्या, है ना? चलिए मैं कर, आप करो, कर सकते हो तो करो। मैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन में समझा दूंगा आपको, पहले ये कर लो। ये तो एक क्वेश्चन के लिए ऐसा हो जाएगा कि ये चीजें छूट गई है, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इन अ कंटिन्यूस सीरीज, कर लीजिए इसको। हाँ जी, सामने देखेंगे, देखिए बच्चे क्वेश्चन। एक तो आपको मिड वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद उसमें से डेविएशन लेना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद उस डेविएशन को आपको एफडी करना पड़ेगा। कि कंटिन्यूस सीरीज में आपने मीन निकाला है, मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन में आपने सीखा था ना, कैसे समझिए। देखिए सबसे पहले क्या क्या करेंगे आप, एक मिड वैल्यू निकालेंगे डेटा के लिए। तो पांच सब में 10 का गैप है, तो 10 का गैप देते चले जाओ, 15 12 12 कैसे निकलते हैं मिड वैल्यू, दोनों का सम डिवाइडेड बाय 2, 35 45, 55 एंड 65। अब आपके पास मिड वैल्यू है तो आप मीन कैसे निकालते हैं कंटिन्यूस सीरीज के अंदर, तो मीन का फॉर्मूला हो गया आपके पास में समीशन एफ, डायरेक्ट मेथड fm अपॉन समीशन एफ। तो m है, f है, तो आप fm भी निकाल लीजिए, 30, 75, 400, 200। तीस और तीन 33, 195। सॉल्व करते हैं इसको हम, तो हमारे पास में क्या आ गया, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एम, तो समीशन ऑफ एफ एम लेंगे आप, थर्टी प्लस 75 प्लस 200 प्लस 525, 315 प्लस 330, 1670। सॉल्व करेंगे 1670 समीशन एफ, समीशन एफ आप करेंगे तो क्या आ गया, 6 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 15 प्लस 7 प्लस 6 प्लस
तीन अच्छा सॉल्व करते हैं इसको हम। तो हमारे पास में क्या है 1670 डिवाइडेड बाय 50 33.4। तो ये हमारे पास में क्या है बच्चे, ये हमारे पास में आंसर है। क्लियर है आंसर, मतलब मीन आया हमारे पास में 1670 डिवाइडेड बाय 50 33.4। आगे हम करते हैं, तो हमारे पास पे अब हमें डी निकालना है जो कि एक्स में से, या फिर यहां तो एम है हमारे पास में, तो एम में से आप अपना एक्स बार माइनस कर दीजिए, और एक्स बार क्या आपका 33.4, 33.4। चलिए 5 माइनस 33.4 28.4, 15 माइनस 33.4 18.4, 25, 10 इस पर से माइनस होता चला जाएगा ना, क्लोज होता 10 का गैप, ये रिड्यूस होता चला जाएगा आपका 8.4, 35 माइनस 33.4 1.6, 45 माइनस 33.4 11.6, 55 माइनस 33.4 21.6, 65 माइनस 33.4। क्लियर है? अब आप यहां देखेंगे एक्स बार समीशन डी, सॉरी, अब आपको एक कॉलम और क्रिएट करना है डी के बाद एफ डी का। क्योंकि आपको मीन डेविएशन फ्रॉम मीन निकालना था कंटिन्यूअसली, मीडियन तो सिखा दिया मैंने पिछली क्लास पिछले क्वेश्चन में, तो फ्रॉम मीन निकालना, तो आपको पहले तो मीन निकालना होगा, तो मीन में से अपना डेविएशन ले लेना है आपने, और आपने ले भी लिया फ्रॉम, मतलब कि आपके पास में एक्चुअल डेटा में से आपको अपना मीन सेपरेट कर देना है। अब क्या करना है आपको, एफ डी तो 28.4, 28.4 मल्टीप्लाई बाय फ्रीक्वेंसी 6, 170.4, ठीक है। चलिए चेक करते हैं 170, 18.4 इंटू 15, 18.4 इंटू 5 92, 8.4 इंटू 8, 8.4 इंटू 8 67.2, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.6, 15 मल्टीप्लाई बाय 1.6 24, 7 मल्टीप्लाई बाय 11.6, 7 मल्टीप्लाई बाय 11.6 81.2, 6 मल्टीप्लाई बाय 21.6 129.6, 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 21.6, ठीक है 31.6
मल्टीप्लाई बाय 3, 94.8 समीशन एफ डी वन 70.4 प्लस 92 प्लस 67.2 प्लस 24 प्लस 81.2 प्लस 129.6 प्लस 94.8 659.2। अब आप यहां निकालेंगे अपना मीन डेविएशन फ्रॉम मीन दिस वन, तो समीशन एफ डी अपॉन समीशन एफ मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल्स टू 659.2 एंड समीशन एफ इक्वल्स टू 50 मीन डेविएशन फ्रॉम मीन इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय 50 13.18। क्लियर है बच्चे? अब यहां पर जरा समझिए इस बात को कि जिसका मीन कितना आया 33 और डेविएशन कितना हो रहा है, एक्चुअल डेटा मीन से कितना वेरी कर रहा है, 13 वेरी कर रहा है, तो कहीं ना कहीं मीन ऑथेंटिक इतना नहीं है। और कितने टाइम से ये मीन का आपका जो डेविएशन है, इसको कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन कहते हैं, वो क्या है आपका कॉफिशेंट ऑफ मीन डेविएशन, ये क्या है आपका जो डेटा का जो डिस्टेंस है वो आपके मीन से जो वेरी कर रहा है, वो मीन का कितना टाइम से डिवाइडेड बाय 33.4। मीन का लगभग लगभग 40% आप कह सकते हो, 0.39। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग लगभग 39% आपका डेटा आपके मीन से, आपका जो मीन आ रहा है उस मीन का 40% डेटा आपका वेरी हो सकता है, उससे ज्यादा हो सकता है या उससे कम हो सकता है। तो ये आपके पास है मीन डेविएशन फ्रॉम मीन था, कंटीन्यूअस सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और आपका इंडिविजुअल सीरीज। उम्मीद करता हूं कि आपको डिस्पर्जन का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन पे, लेकिन नेक्स्ट क्लासेस में बात करेंगे। देखिए बच्चे, स्टैंडर्ड डेविएशन में कुछ खास है नहीं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्लासेस में तीन क्वेश्चनों को नेक्स्ट क्लासेस कभी भी ले लूंगा मैं क्लासेस, आप लोग को पहले से इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। एग्जाम टाइम बहुत क्लोज है, तो आज अभी जो है कितने बच्चे हैं, ठीक है आपके मैं क्लासेस को कंडक्ट कर लिया करूंगा। मेरे शाम को तो रहेगी आपकी क्लासेस, जो आपका शेड्यूल चल रहा है रेगुलर बेसिस पे रखूंगा ही। बट कभी मेरा हुआ तो मैंने सुबह भी फ्री हूँ, मैं 10 बजे फ्री हो जाता हूँ मॉर्निंग में, तो मैं 10 बजे भी मैंने क्लासेस रख दी, पहले आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ये 11 बजे क्लास रख दी, शाम को तो होगा ही होगा। जल्दी जल्दी हम पहले डिस्पर्जन और मेजरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड टेंडेंसी के टॉपिक से एक बार हट जाते हैं, इनसे 3 यूनिट कंप्लीट अच्छे से हो जाएगा, उसके बाद फिर हम 4th यूनिट पे अच्छे से काम करेंगे। क्लियर है बच्चे? तो नेक्स्ट क्लासेस में इसको हम कंटिन्यू करेंगे जी।